हेलो फ्रेंड, वेलकम टू किचन शिल्पी एंड क्रिएशन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आम से बनी हुई एक स्वीट रेसिपी। आई होप ये रेसिपी आप लोग को बहुत ही पसंद आएगी। जैसा कि आम का सीज़न है, आम के सीज़न में तरह तरह के पकवान बनते हैं, तो यह मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ आम से बनी हुई एक रेसिपी। ये रेसिपी शेयर करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसे गर्म हो जाने देंगे। उसमें एक चम्मच घी का यूज करते हुए ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इसे हम रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने इच्छा अनुसार, अपने मनपसंद अनुसार यूज कर सकते हैं। तो यहाँ ये अच्छे से भुन गया है, इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई का यूज करते हुए एक चम्मच घी डाल के और ये सूजी से बने हुए जो सेवई हैं इसे हम भून लेंगे। तो मार्केट में पहले से ही भुना हुआ सेवई मिलता है, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ये देखिए अच्छे से इसे भून लिया है। अब इसे हम इसमें कम से कम लगभग आधा केजी दूध डाल देंगे। ये पहले से गर्म किया हुआ दूध था तो उसी का यूज कर रही हूँ। अब इसे हम बराबर चलाते रहेंगे, मलाई नहीं पड़ना चाहिए, जो किनारे किनारे जमने लगता है उस तरीके से नहीं होना चाहिए, इसलिए बराबर इसे हम चलाते रहेंगे। और ये अच्छे से बॉयल हो गया है, देखिए। अब इसमें हम चीनी या मिश्री का यूज करेंगे। तो यह मैंने मिश्री का यूज किया है। मिश्री जैसा कि हेल्थ के लिए भी काफ़ी यूजफुल है और फ़ायदेमंद है, तो यह मैंने मिश्री का यूज किया है। आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं और ये भी अपने इच्छानुसार, जैसा आप मीठा कम या ज़्यादा खाना पसंद करते हों। तो यह मैंने फूड कलर डाल दिया है, फूड कलर ऑप्शनल है, आप केसर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसे अच्छे से बॉयल हो जाने देंगे, लगभग 5 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे बराबर चलाते हुए। अब ये देखिए बॉयल हो गया है अच्छे से और इस तरीके से इसे विस्क कर देंगे हाथ से ही कि और स्मूथ बन जाए। अब ये बॉयल हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा हम सूखे हुए रोज पेटल्स डाल देंगे। आप इसकी जगह पे छोटी इलायची का भी यूज कर सकते हैं, और अगर इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप यहाँ रोज पेटल्स का यूज कर सकते हैं। तो इसे भी अच्छे से इस तरीके से 1-2 मिनट तक उबाल आने देंगे कि इसका जो अरोमा है वो अच्छे से सेवई में घुल जाए। अब इसमें हम ये भुने हुए जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसे भी डाल देंगे और डाल के इसको ढक के ठंडा होने के लिए रख देंगे। गैस फ्लेम बंद कर देंगे और यहाँ मैंने पहले से ही एक आम कट कर लिया है, अब इसे हम चॉप कर लेंगे। अगर आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, बारीक स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। तो इस तरीके से आप पेस्ट बना के इसे किसी बर्तन में पल्प को इसके गरम कर सकते हैं, गरम करके तब इसका यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट यूज कर रही हूँ और ये सेवई हमारी ठंडी हो गई है। अब इसमें ये पल्प हम यूज कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे जो सेवई का फ्लेवर है बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी हुआ है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में इसे रख देंगे किसी बर्तन में निकाल के। इस तरीके से अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और यहाँ ये ध्यान रखना है कि सेवई जो है वो अच्छे से ठंडी हो जानी चाहिए, नहीं तो कभी कभी ऐसा रहता है कि आम थोड़ा सा भी खटास लिए रहता है या फिर फटने का भी डर रहता है तो सेवई हमारी फट सकती है जो इसमें दूध मिला हुआ है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है। अब ये अच्छे से रेडी हो गया है, इसे हम 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे और इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कीजिए, कटे हुए आम से, ड्राई फ्रूट कटे हुए आम से और रोज पेटल से इसे हम गार्निश करेंगे। और इस पर सिल्वर पेपर भी आप लगा सकते हैं, तो यहाँ मैंने सिल्वर पेपर का भी यूज किया है और इस तरीके से इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। आई होप ये रेसिपी आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।